एक ऐसा हॉस्पिटल जो खतरनाक तरीकों से मरीजों का ट्रीटमेंट करता है। कहानी की शुरुआत में एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे अमीर आदमी अपना इलाज करवाने के लिए जानते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स को लोग भगवान की तरह मानते हैं। इस हॉस्पिटल का इलाज करने का तरीका बाकी हॉस्पिटल से काफी ज्यादा अलग था। एक दिन उस हॉस्पिटल में लोकेट नाम का एक आदमी आता है जिसे वहाँ के तरीकों के बारे में पता नहीं था। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में तो ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वह समझ गया था कि इस हॉस्पिटल में कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि जो भी मरीज वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाता था वह उस हॉस्पिटल को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेता था। यह सब देखने के बाद लॉकर जल्दी से जल्दी उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अचानक एक दिन उसे उस हॉस्पिटल का ही एक पेशेंट बना दिया जाता है। वहाँ का डॉक्टर लॉकर्ट को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहता है, और जब एक बार वह पानी पी रहा था तो उसे पानी में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। कुछ दिनों के बाद लॉकर्ट पेम्ब्रुक नाम के एक आदमी से मिलता है और हमें पता चलता है कि लॉकर्ट दरअसल उस हॉस्पिटल में पेम्ब्रुक को लेने ही आया था, क्योंकि वही एक आदमी था जो लॉकर्ट की डूबती हुई कंपनी को बचा सकता था। फिर काफी कोशिश करने के बाद पेम्ब्रुक लॉकर्ट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल में लॉकर्ट विक्टोरिया नाम के एक पेशेंट से मिलता है और सभी पेशेंट्स में विक्टोरिया ही उसे सबसे ज्यादा नॉर्मल लगती है।